ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹਰੂਨ ਰਫੀਕ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਐਪੀਸੋਡ ਆ 7। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 6 ਐਪੀਸੋਡ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਐਪੀਸੋਡ 7। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਹਨਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਰੈਂਡਮਲੀ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ ਇੰਜੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਪਾਰਟ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਪਾਰਟ 1 ਇਹ ਆ, ਪਾਰਟ 1 ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਬਟਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं गुस्ताखियां। दोस्तों, किसी भी मुआशरे में अमन कायम रखने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक ईमान और दूसरा अदल। ईमान ये है कि अगर मुझे मौका मिले जुर्म करने का तो मैं जुर्म ना करूं, और अदल ये है कि अगर मैं जुर्म करना भी चाहूँ तो मुझे ना करने दिया जाए। इस निज़ाम पर चलकर बहुत से ममालिक ने अपने माशरों से जुर्म तकरीबन ख़त्म कर दिया है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में आज भी पुलिस की पुलिसिंग की ज़रूरत है। तो चलते हैं एक मकामी थाने में और देखते हैं क्या हो रहा। की हाल है जनाब अली रून साहब जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम तक ए थाना जड़ा ना, मैं थोड़े इलाके का मॉडल थाना बना रहा हूं। आईजी साहब जो आ गए हैं ना, इनाम गनी साहब, वो करवा भी लेंगे तुम। इनाम गनी साहब ने मेरी ट्रांसफर की थी खुद, उन्होंने कैमरे लगवाते हैं सानू 6-7। कोई भी क्राइम हो रहा है कैसे पकड़ते हो फिर? लाशा कद नहीं रखी ये पकड़ते हैं तुम्हारे पैसे? देखो पाकिस्तान क्राइम कितना हो गया, कितने भी यकीन करो भी अपना जुलूस निकले हुए बट्टे खान लिए। मुझे ये मासूम आदमी लगता है और इसके जिस्म से पता चलता है कि ये रिश्वत वगैरह नहीं लेता। ऐ मासूम आदमी, हाँ खुली पैंट इस बात से पाता कि पैसे तो पता ना लगे। यार वैसे तुमने इतनी खुली पैंट क्यों पहन रखी? वो मेरी पैंट ना कल पुलिस मुकाबले से पाट गई है। आज मैं साहब दी पाली मारना है, जिसे फैरिंग नहीं हुई सिर्फ पैंट पाली है। बहुत बड़ा नामी ग्रामी बंदा सी जिस ना पुलिस मुकाबला है। हाँ जी, भाग तुम रहे थे हो रहे थे को भजया जाता अपने रैंक का पूरा नाम बताओ। HSO एक केमिकल होता है, मैं SHO का पूछ रहा हूँ जो तुम हो। ये भी केमिकल ही है। पहली बात तो ये है कि पता नहीं किस स्कूल से तुम पढ़े हुए हो, H नहीं होता H होता है। SHO स्टेशन हेड ऑफिसर बोलो। अब ये बताओ कि इन दोनों को क्यों पकड़ रखा है? ये तो जोड़ा फड़ो तो किस दफा लग दी। मुझे पहले इनका जुर्म बताओ क्या है। ओए जनाब आजकल ना अपना प्रेम करते हैं। ओ प्रेम नहीं तो प्रैंक करते हैं। ਪ੍ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਥ ਇਸਕੇ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਥੇ ਤੁਮ? ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਸਰ, ਪ੍ਰੈਂਕ ਸਿਰਫ ਹਾਊ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ। ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ। खातून है, उसका एहतराम करो। अच्छा थाने तो ये लत नहीं अड़ाउनी। कौन सी दफा लगाई है, क्या जुर्म है इसका? दफा देना दे लगनी है, 6-6 साल अंदर है ये साडे मुल्क। यार खुदा दा खौफ कर मैं तेनु। ਹੋ ਜਾ ਪੁੱਛਾ ਜਾਲੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
जो दुनिया के अच्छे प्रैंक्सटर्स हैं वो बहुत पैसे भी कमाते हैं। यस सर, दे आर अर्निंग इन मिलियंस। ए माशाल्लाह, लोए लैलन दी जुतियां तो भी प्रैंक आ रहा है। एक्चुअली इहदा माइंड नहीं तुसी करना है, स्टेज आर्टिस्ट भी। ये सारे मुल्क की बीमारी फैल गई, कोई टिकटॉकर बन गया, कोई नदीम नानी वाला आ गया, कोई सब्जी वाला आ गया, कोई अशरफ पीपे वाला आ गया। इन्हें भी कट्टे तो बाहर आ नदीम फूफी वाले लगेगा तुम्हें पता तेरा भी करता इंतजाम। ये जनाब किसी का हार्ट फेल हो सकता है, एक बंदा मेरे सामने ना डराया और रक्षे च वजा सुकर रक्षा खलोता। इतने खतरनाक प्रैंक करते हो तुम। नहीं प्रैंक कौन से, ये कौन सा ड्रा आपने पकड़ा, इनकी जोजा को किस लिए पकड़ लाए? गल्ला चलांदी आगे पिछो डरांदा मेरा गोडा छिलिया ये सारा दिन टिकटॉक बनाती रही घर च खांडी क्यों नहीं बनाती तू है। नहीं तो सर जी, टिकटॉक बनाने में क्या बुराई है, मैं खुद भी तो बनाती हूँ। आपने मौका ही नहीं दिया। ये ऑलरेडी छुट्टी हुई है बाजी, सानू रिहा करवा दो, मैं ताडे नाल इक नहीं दो दो टिकटॉक बनावांगी। सच्ची मुची कसम है। हाँ जी सर जी, छोड़ दियो ना, सोचना बड़ा कुछ। हाँ इतनी मोहब्बत ना कर रही है ना, इसकी इल्तिजा पे भी अगर तुमने ना छोड़ा ना तो बहुत जाती करोगे। ये तुम्हारी कांस्टेबल एडा, मैं कोई एंकर नहीं है, तुम्हें शेर सुनाऊंगा तो मुतासर हो जाएंगे। अरुण साहब जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आज मेरे लिए कोई शेर ही सुना दीजिए। मैं फांसी का पर्चा देना दे। ये थाने पे जड़े आंख में टके हो रहे ना, ये मैं नहीं चलन देने। जौक वाली बात की है उसने। वो डंडा हर वेले तैयार रखना, जिथे शेर सुनावे ना गम देना। हौली हौली आ रहे हैं उधर। आपके लिए एक शेर अर्ज है जी इरशाद। जुल्फ रातों सी है रंगत है उजालों जैसी। क्या बात है। जुल्फ रातों सी है रंगत है उजालों जैसी, पर तबीयत है वही भूलने वालों जैसी। उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। अच्छा इस बच्चे के साथ ना इसका ज़हनी तवाज़ुन मुझे ये बीपीडी का शिकार लगता है। ये क्या होता है? बाइपोलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर आजकल ये बच्चों में है, और ऊपर से ये डोमेस्टिक अब्यूज का भी शिकार लग रहा है। ये बीवी से मार भी खा रहा है, और मेरा ख्याल है कि उसको दूर करने के लिए ये ऑल्टर ईगो बनाता है अपनी, जो वेयरवुल्फ बन जाता है। अरुण रेरी लग रहा है ये लड़का वाकई डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार है, और इसकी हालत देख के लग रहा है कि इनकी वाइफ इसके ऊपर काफी तशद्दुद करती है। दानिश तेरे तो पर्चा देना। क्या पर्चा दोगे तुम दानिश? पर्चा देना, इन्हें क्यों नहीं किया अभी, यहां एक ऐड कर रहा हूं। जुल्म तो ये मेरे पे करता है। नहीं, यूजुअली डोमेस्टिक वायलेंस का खवातीन ज्यादा शिकार होती हैं। जी हां ये बात दुरुस्त है, ज्यादातर खवातीन ही होती हैं,
और इसको वायलेंस कंसिडर ही नहीं किया जाता था। इवन 20वीं सदी में भी आके 1973 में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको वायलेंस कंसिडर किया था। उससे पहले इसको वायलेंस नहीं कहा जाता था, और उससे पहले कहा जाता था आपके घर का मामला है जी, आप अपने घर में सुलझा लें। खास तौर पे पाकिस्तान में जब से कोरोना आया है और लॉकडाउन हुआ है, मुआशी निज़ाम ख़राब हो गया, उसकी वजह से घरों में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं और ख्वातीन पर खास तौर पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है। हारून, यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ, ऐड ये करूँगा कि औरतों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद होता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक 4 में से 1 औरत के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होता है और 9 में से 1 मर्द के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। एक ऐसी चीज़ है जिसका शिकार सिर्फ ख्वातीन नहीं, मर्द भी हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा तादाद। जी हाँ दानिश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर एक चीज़ मैंशन करता चलूँ कि बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस का पैसिव शिकार हो रहे हैं, वो विक्टिम बन रहे हैं, लेकिन किसी को एहसास नहीं हो रहा। आप उनके रिजल्ट्स देखें, उन बच्चों में एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फियरफुलनेस है, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार है। उस वजह से उनके नतायज भी बहुत बुरे आ रहे हैं स्कूल्स में। हारून, यहाँ पे मैं ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहूँगा। जी दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टम्स अक्सर उन लोगों के दरमियान में होते हैं जो उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद कर रहे होते हैं। इस खौफ की वजह से अक्सर वो बोल के मदद के लिए पुकार नहीं सकते लोगों को, क्योंकि वो लोग बहुत डरते हैं कि हमें तशद्दुद का शिकार किया जाएगा। अलबत्त इस मसले को अब इंटरनेशनली सॉल्व किया गया है और एक चीज़ डिज़ाइन की गई है जिसको कहा जाता है सिग्नल फॉर हेल्प। सिग्नल फॉर हेल्प ये है कि अगर आप तशद्दुद का शिकार हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार हैं, तो आप आजकल के दौर में वीडियो कॉल या किसी को भी आप देखें जो आपकी हेल्प कर सकता हो, तो आप अपना हाथ सीधा करें, अंगूठे को हथेली पर रखें और उंगलियों से इसको बंद करें। ये अब एक इंटरनेशनल सिग्नल ऑफ हेल्प है जिसको यूज़ करके आप लोग दुनिया को ये बता सकते हैं कि मेरे ऊपर तशद्दुद हो रहा है। नाज़रीन, जब भी आप ऐसा सिग्नल देखें तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सिग्नल करने वाले की हेल्प करें और ख़ुद हेल्प करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप अपनी जान को भी ख़तरे में डालेंगे और विक्टिम की जान को भी ख़तरे में डालेंगे। आपको चाहिए कि आप प्रोफेशनल हेल्प, जिस तरह से पुलिस हमारे पास मौजूद है, उनको बुलाएँ और विक्टिम को आज़ादी दिलवाएँ। बहुत वड्डी गल इन्होंने कही है ना, सिग्नल भी एक आ चुका इंटरनेशनल लेवल पे ही आए ਇਹਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਸਾ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।